कोरबा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में निकला विशाल का जहरीला सांप। अविनाश यादव की टीम ने किया रेस्क्यू। चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी उस वक्त सकते में आ गए जब उन्होंने काम करने के दौरान चिकित्सालय के अंदर बने गार्डन के पाइपलाइन में घुसते एक जहरीले कोबरा सांप को देखा। चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी संतोष ने जब सांप को पाइप में घुसते देखा तब उन्होंने हाउसकीपिंग के इंचार्ज महेश्वर प्रसाद टंडन को इस बारे में बताया। महेश्वर प्रसाद ने आरसीआरएस स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख सर्पमित्र अविनाश यादव को तुरंत कॉल कर इसकी जानकारी दी। अविनाश ने अपनी टीम के सदस्य महेश्वर यादव को मौके पर भेजा। महेश्वर ने पहुंचकर पाइप को तोड़ा व बेजुबान सांप को आजाद किया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। यह सांप कोबरा प्रजाति का है जो कि बेहद ही जहरीले प्रजाति में से एक है, जिसे आम भाषा में गहुआ नाग भी कहा जाता है, जो कि करीब 5 फीट के आसपास था। जिसके रेस्क्यू के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग को जानकारी देकर यह रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे कर्मचारी ने संतोष भाई ने देखा कि गार्डन में सांप घूम रहा है, तो ये मेरे को बताया। मैंने देखा, मेरे को पहचान हुई कि सांप ये विषैला है करके। फिर मैंने अविनाश भाई को फ़ोन किया, उन्होंने महेश्वर यादव को भेजा और महेश्वर यादव जी ने उसको सफलतापूर्वक पकड़ के ले गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।